पब्लिक चैनल से। दोस्तों थाने क्राइम ब्रांच के एक बड़ी कामयाबी एक हाथ लगी है। बच्चा चोरी का जो मामला है एक बहुत संगीदा है और ये थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के हाथ लगी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब बताया गया है कि एक 2 महीने का बच्चा था जो कि CST स्टेशन पे एक औरत किडनैप करी थी उसको और वहाँ देखा गया और उसको वो लिंक जो है जोड़ा गया। मुमरा के अंदर एक हादसा हुआ था, सलमान नाम का एक बच्चा था तो उसका किडनैपिंग हुआ था, तो उसी को लेके जो है पुलिस ने कुछ कड़ी जोड़ना चालू किया और कड़ी जोड़ते जोड़ते जब CCTV कैमरा के अंदर फोटोज के अंदर देखी तो वो महिला वहां पे दिखाई दे रही थी और उसके बाद जो है जो CST पे जो महिला दिखाई दे रही थी वो दोनों एक दूसरे को मैच खा रही थी। उसी आधार पे लेके पुलिस थाने क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करी और छानबीन करते करते और वो महिला हाथ आखिरकार लग गई और वो बच्चे को भी बचा लिया गया जो 2 महीने का बच्चा जैसे देख सकते हो। आइए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आइए सुनिए कि मतलब किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था तो हमारे माननीय पुलिस आयुक्त सर ने बताया कि अपना एक टीम बनाई है, उसके अंदर मुंबई होगा, थाना शहर होगा, उसके बाद पालघर, थाने ग्रामीण, नवी मुंबई या आसपास के इलाके में जितने भी बच्चे किडनैप हुए हैं, क्योंकि कैसे उनका बेस कहीं तो भी एक रहता है, ये जब बच्चे चुराते हैं तो उनका कोई तो भी एक बेस रहता है और ये शहर जो है एक दूसरे को लगती शहर है, यानी मुंबई तुम बोलोगे तो कभी कभी लोग बोलते कि थाना ये मुंबई में ही आता है या फिर थाने ग्रामीण का कुछ हिस्सा है ये थाने शहर के से जुड़ा हुआ है, ये साले नवी मुंबई है, पालघर है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए इलाके हैं। तो सर ने बोला कि ये सब उसके बाद रेलवे एक मेजर फैक्टर है कि जहाँ से भी बच्चे चोरी होते हैं, तो सर ने बताया कि अपन एक ज्वाइंटली ऑपरेशन करेंगे तो हमारे थाना क्राइम ब्रांच के जो हमारे अफसर है भोसले साहब और उनके साथ में जो भी हमारी टीम थी उस टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें परिश्रम किया, उसमें हमारे रेलवे के जो अधिकारी है कर्मचारी है उन्होंने भी काफ़ी हमको सहयोग दिया क्योंकि उनके साथ हमने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमको जब पता चला, हमने CCTV फुटेज भी हमने उसके अंदर देखे थे, उसके बाद कुछ नंबर हमको मिले थे, उसके बाद हमको पता चला कि उस महिला का लोकेशन ये नासिक में मिल रहा है, तो नासिक में हमारी टीम जाके उस महिला को हमने कल उसको हिरासत में लिया और बच्चे को भी हमने महिला मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।